तो लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। खंडवा लोकसभा के अलावा निवाड़ी की पृथ्वीपुर, सतना की रहगांव और अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। मतदान की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के पार्टी नेतृत्व ने उपचुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। जहां बीजेपी ने मंत्रियों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो कांग्रेस भी पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है। बीजेपी ने उपचुनाव में समन्वय के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी है। वहीं कांग्रेस ने भी खंडवा के लिए पूर्व मंत्री मुकेश नायक को प्रभारी और राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया है। इसके पहले कांग्रेस जोबट में विधायक रवि जोशी, रैगांव के लिए पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और पृथ्वीपुर उपचुनाव के लिए विधायक प्रवीण पाठक को देखरेख में कराने की जिम्मेदारी भी सौंप चुकी है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2023 में होने वाले आम चुनाव से पहले ये उपचुनाव लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, ऐसे में निश्चित ही ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों का सियासी भविष्य तय करने जा रहे हैं। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसके तहत ये सभी चुनाव प्रभारी अभी से राजनीतिक गोटियां बिठाना शुरू कर दिए हैं। उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में जल्दबाजी नहीं बरत रहे हैं। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा में पिछला चुनाव भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान 3 लाख मतों से भी ज्यादा से जीते थे। रहा सवाल तीनों विधानसभा उपचुनाव का, तो 3 में से 2 जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस की रही है, तो वहीं सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जुगल किशोर बागड़ी विजयी हुए थे। बहरहाल आज हम बात करेंगे तीनों विधानसभा के साथ खंडवा लोकसभा के दोनों दलों के प्रबल दावेदारों की, और साथ ही चर्चा होगी वहां के स्थानीय मुद्दों की भी। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। उपचुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी हार? बीजेपी और कांग्रेस ने किए जीत के दावे। क्या है क्षेत्र की समस्याएं और स्थानीय मुद्दे? क्या सौगातों के दौर में स्थानीय मुद्दे हो जाएंगे गौड़? क्या उपचुनाव में सहानुभूति की लहर दिखाएगी असर? मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही दोनों ही दल अब मतदाताओं को रिझाने के लिए तैयार है। स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को देखते हुए एक ओर सरकार इन क्षेत्रों में घोषणाओं की बौछार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दबे पांव प्रदेश सरकार की असफलताओं, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को क्षेत्र के मतदाताओं तक पहुंचा रही है। विकास कार्यों और घोषणाओं के दम पर जहां बीजेपी सरकार इन चारों सीटों पर बड़ी जीत की आस में है, वहीं कांग्रेस को भी दमोह में हुए उपचुनाव को मिली जीत से आशा है। किन सीटों पर भी जनता कांग्रेस का रुख करेगी और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का आधार माने जा रहे हैं। यही नतीजे अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जनता का रुख और दलों को दिशा बताएंगे। स्थानीय समस्याओं और वंशवाद के बीच बीजेपी और कांग्रेस इस उपचुनाव में सहानुभूति के साथ चुनावी वेतरणी पार करने की कोशिश में है। उपचुनाव में दोनों ही दलों में दावेदारों के कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। बात करें खंडवा लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह का नाम आगे चल रहा है। इस सीट पर बीजेपी से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, सुनील जैन और भरत पटेल के नाम भी चर्चा में हैं। बात करें कांग्रेस की, तो अरुण यादव, अंकित पाठक और इंदल सिंह परमार के नाम पर चर्चा चल रही है। रेगांव में बीजेपी से पुष्पराज बाकरी, देवराज बाकरी और प्रतिमा बाकरी अपनी उम्मीदवारी जता रही है। वहीं कांग्रेस से ऊषा चौधरी और कल्पना वर्मा के नाम पर मंथन चल रहा है। पृथ्वीपुर सीट से बीजेपी के गणेशी लाल नायक, डॉक्टर शशपाल यादव, आकाश अग्रवाल, रोशनी यादव और अखिलेश
अयाची के नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस से पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर और प्रकाश सिंह दागी के नाम प्रबल दावेदारों में हैं। जीवट विधानसभा में बीजेपी से दीपक चौहान, गुमान सिंह डामोर और किशोर शाह के नाम हैं। कांग्रेस से दीपक भूरिया, ओम राठौर और कमरू अजनार के नाम शामिल हैं। बहरहाल चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्षेत्र की जनता का क्या रुख होता है, 30 अक्टूबर को वोटिंग है और 2 नवंबर को परिणाम आने के बाद कौन सी पार्टी दिवाली मनाएगी, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्ता का संग्राम इस पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतना से बरुण शर्मा है, जोबट से मनीष वाणी है, पृथ्वीपुर से हेमंत वर्मा है और खंडवा से अखिलेश ठाकुर। साथ ही विश्लेषण के हमारे साथी स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के असानी साजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं अखिलेश ठाकुर के पास खंडवा। अखिलेश, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही सर। अखिलेश, क्या लग रहा है जैसे जिस तरह से दावेदारों के नाम हैं उनमें कौन, जैसे कांग्रेस में कौन प्रबल दावेदार है जो बेहतर कैंडिडेट होगा और बीजेपी में कौन है जो बेहतर कैंडिडेट होगा? साथ ही इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि वहां के मुद्दे क्या प्रभावी रहेंगे। सर बिल्कुल, मैं पहले बता देना चाहूंगा कि उप लोकसभा चुनाव के फिलहाल में यहाँ पे जो है जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में लगातार टक्कर की बात की जाती है और विधानसभा लोकसभा जो यहाँ पे फिलहाल में जो चुनाव है कांटे की टक्कर का होगा। यहाँ देखा जाए तो बीजेपी से हर्षवर्धन का जो सामने नाम आ रहा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो अर्चना चिटनी से उसका भी सामने नाम आ रहा है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से सिर्फ अरुण यादव अकेले ही सिर्फ उनका सामने नाम आता है क्योंकि कांग्रेस से हर बार वही टिकट लड़ते हैं और वही लोकसभा लड़ते हैं। क्यों, जैसे नाम बताया जा रहा है अंकित पाठक है, इंद्र सिंह परमार है? बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर लेकर जाए तो बीजेपी से लगभग 10 से 8 लोगों का। नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की। आपने कहा अरुण यादव केवल कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से ही अंकित पाठक और इंद्र सिंह परमार का भी नाम आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर इस बार देखा जाए कि उप लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस अगर फेरबदल कर सके, इस तरह से जो अरुण यादव का जो नाम के बाद में अगर कोई नया चेहरा आ सके तो ये सबसे बड़े कांग्रेस के लिए एक नया चेहरा हो सकता है कि घोषित हो सकता है लोकसभा में। चलिए, खैर ये जानना चाहेंगे कि अरुण यादव पिछला चुनाव 3 लाख के मतों से भी ज्यादा के अंतर से हारे थे, ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस टक्कर में है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पे जो मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर आ रही है क्योंकि यहाँ पे रोजगार और यहाँ पे पानी और यहाँ पे सड़क और यहाँ पे जो सारी चीजें आती है वो सब ये चीजें है कि कांग्रेस को इस बार बहुमत से हो सकता है कि विजय हो जाए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी लगभग 2 सालों से लगभग 2 चुनावों से यहाँ पे लगभग जीती आ रही है लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी और पानी और इन मुद्दों को लेकर और बेरोजगारी को लेकर यहाँ पे बड़ा मुद्दा है तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी को कहीं खतरा नजर आ रहा है। पिछले लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है खंडवा लोकसभा, नंद कुमार सिंह चौहान ही कई बार मर्तबा जीत चुके हैं, ऐसे में नंद कुमार चौहान जी के बेटे को टिकट दी जाती है तो क्या सहानुभूति लहर कुछ आएगी? जी मैं पहले बताता हूँ आपको कि जिस तरह से सहानुभूति अगर बात की जाए कि जिस तरह से लोकसभा को लेकर जो नंद कुमार सिंह स्वर्गीय हो चुके हैं उनके बेटे सपुत्र जो है हर्षवर्धन सिंह को अगर टिकट मिलता है तो देखा जाए कि कहीं कहीं नया चेहरा हो सकता है कि इनको जनता को जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बीजेपी के जो लोग हैं हो सकता है कि उनको नया नाम चेहरा पसंद नहीं आ रहा है इसके कारण दिक्कत जा सकती है। क्या जैसे अगर उनके बेटे को टिकट मिलती है तो एक बात आ जाएगी वंशवाद, तो इससे भी बीजेपी के जो वहां के जिलाध्यक्ष हो या अन्य नेता हो वो ठिठक रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बीजेपी में तानाशाही चल रही है, जिस तरह टक्कर चल रही है कि मुझे टिकट मिले। हो सकता है कि बीजेपी में नया चेहरा भी सामने, हो सकता है कि मोगे जी के नाम भी आ रहा है, कैलाश विजय के नाम भी आ रहा है। जी, वहां से सुरेंद्र सिंह सेहरा भी दावेदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए निर्दलीय जो विधायक है वहाँ के जो सेहरा भैया जो बोलते बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक है वो भी कांग्रेस से प्रबल दावेदार कर रहे हैं। इधर देखा जाए तो महादेवगढ़ से बीजेपी से अशोक पालीवाल भी पूरे दावेदारी और टक्कर में है कि जिस तरह मुझे टिकट मिला जाए। सुनिए शाइनी जी, आपको कोई सवाल करना? जानना चाहूंगी कि अभी कांग्रेस के अंदर जिस तरह से एक अस्थिरता दिख रही है और कांग्रेस हाईकमान में एक वैक्यूम आ गया है तो इसका असर इन चुनावों में दिखाई देगा क्या? चलिए वही है कि कांग्रेस को लेकर टिकट को लेकर भी इनके बीच में जो
ये चल रही है कि किसको की टिकट मिलना चाहिए। उधर देखा जाए तो निर्दलीय विधायक जो सिरा भाई है बुरहानपुर से, पूरी ताकत जोर दोर प्रबल दावेदार के साथ माने जा रहे हैं। यहाँ से देखा जाए अरुण यादव जो है फिलहाल में वो आज फिलहाल में देखा जाए तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय हैं उन्हें ट्वीट करके अरुण यादव को पूर्व जो मुख्यमंत्री उनको बोल दिया है कि आपको ही टिकट मिलेगा। इस तरह से इनके बीच में ही तानाशाही चल रही, तो हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। और कोई सवाल? नेतृत्व की जो कमी दिख रही है कांग्रेस के अंदर उसका नुकसान हो सकता है कि वहाँ पे खंडवा में कांग्रेस। साइनी जी पूछ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं काफी, वो पूछ रहे हैं कि नेतृत्व की कमी, जैसे इसमें शिवराज जी से लेकर के हाई कमान तक बहुत मजबूत हैं, सारे मंत्री हैं, सरकार इनकी है, और वहाँ नेतृत्व की कमी है, मतलब जैसे कमलनाथ जी को लेकर के ऐसा नहीं माना जा रहा कि काफी जबरदस्त नेतृत्व हो उनका, या दिग्विजय सिंह जी को लेकर के, तो नेतृत्व की जो कमी है बिल्कुल वो उसका कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? बिल्कुल, अगर देखा जाए कि अरुण यादव का अगर टिकट मिलता है और तो 100% ही अरुण यादव यहाँ से 100% जीत के और उम्मीद दिख रही है, लेकिन अगर अन्य चेहरे को कोई दूसरे व्यक्ति को अगर नए चेहरे को अगर टिकट दिया जाता है तो 100% यहाँ से कांग्रेस जीरो ग्राउंड पे हारेगी। और इसमें अरुण यादव 100% कैसे कह सकते हैं आप जीते, ऐसा क्या मुद्दा आ गया है 3 लाख मतों का अंतर? जी अगर मुद्दा देखा जाए कि बीजेपी यहाँ लगातार दो लोकसभा से जीतती आ रही है, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी, पानी मुद्दा है, सड़क है, सब सारे लोगों को सारे चीजें मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ जनता त्रस्त हो चुकी है, इसके कारण कांग्रेस आना जरूरी है लोकसभा में यहाँ पे। ये तो आपका मत है जरूरी है, मतदाता क्या कहता है? ये मतदाता ही कह रहा है कि वास्तव में कांग्रेस आना जरूरी है। चलिए, दूसरा ये सवाल है कि कोरोना को लेकर के जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हुई थी, बहुत सारे हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे थे, उसका कोई असर है क्या कि सरकार, केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो उससे कुछ नाखुश हो लोग? देखिए कोरोना को लेकर यहाँ पे फिलहाल में जो प्रशासन है कई यहाँ पे मुहते हुई लेकिन उसके छुपाया गया, लेकिन देखा जाए कि प्रशासन यहाँ पे अभी पूरी तैयारी के साथ, तीसरी लहर के साथ पूरा तैयारी में है। मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ प्रशासन क्या कर रहा, हम सवाल ये कर रहे हैं आपसे कि जो मतदाता हैं उनके मन में, क्योंकि पिछला दूसरी लहर जो आई थी मार्च अप्रैल मई जून में जिस तरह से मारामारी मची थी ऑक्सीजन से लेके बहुत सारी चीजों की, दवाइयों की, उसका क्या असर है, लोगों में रोष है क्या सरकार के प्रति? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोरोना को लेकर जिस तरह से पूरी यहाँ पे उक्त इंतजाम नहीं थे उसके कारण भी यहाँ पे दिक्कतें गई है, इसके कारण दिक्कतें ये है कि हो सकता है कि नाराजगी है यहाँ पे कहीं कहीं जनता के अंदर कोरोना को लेकर, और महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल और गैस खासकर रसोई गैस। देखा जाए तो खंडवा जिले के पूरे प्रदेश की ये हालत है कि फिलहाल में जो जनता है कोरोना ठीक, पर बाकी यहाँ पे पेट्रोल डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, उस मुद्दे को लेकर भी कई नाराजगी दिखी जा रही है, इसलिए खंडवा में लोकसभा में हो सकता है कि कहीं कहीं कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल अनुभव साहिनी जी, लोकसभा खासकर विधानसभा छोड़ दें, लोकसभा में निश्चित तौर पे पेट्रोल डीजल रसोई गैस ये तो केंद्र का मामला है, और अभी आपने देखा होगा अभी 72 से 80 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा जो क्रूड ऑयल है, तो इस अभी और मुझे उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं, इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? त्रिपाठी जी, आपके संवाददाता ने जैसे बताया मुद्दों की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल, कोरोना, बेरोजगारी, सड़क, पानी, हर चीज से जनता जूझ रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वहाँ पे कोई इस तरह का नेतृत्व नहीं है जो इन मुद्दों को जनता तक ले जाए और जनता की आवाज बन सके। जहाँ तक मुद्दे सिर्फ होने से नहीं होता, उसको आपको जागरूक करना पड़ता है, जनता को के पास तक वो लेके जाना पड़ता है कि हम इन मुद्दों को किस तरह से इसको सुधार करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वहाँ के जुड़ गए हैं सुनील जैन, और कांग्रेस से जुड़ गए हैं इंदर सिंह परवाल जो खंडवा शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में स्वराज एक्सप्रेस के। धन्यवाद सर। इंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इंदर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है जी। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल डीजल और खासकर रसोई गैस, ये जिस तरह से इनकी जो कीमतें आसमान छू रही हैं, और दूसरा कोरोना के दौरान
मैं नहीं कहता हूं पूरे विश्व में महामारी आई थी, पूरे देश में हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी तक से जनता जूझी है, लेकिन फिर भी ये सीधे केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस। ऐसे में जो महंगाई बढ़ी है तो जनता के बीच आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? हेलो, हाँ सुनील जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ हेलो, हाँ सुनील जी, आवाज आ रही? आ रही है सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। हाँ सर, आपकी बराबर आवाज आ रही है सर मुझे। मैंने आपसे सवाल किया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल और रसोई गैस, इससे जनता त्राय त्राय हो रही है। नहीं मैं सब देखिए कि इतना बड़ा कोरोना काल हुआ और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने उस कोरोना काल को, एक भीषण संकट को किस तरह से दूर किया है ये पूरी देश की जनता जानती है। कहीं ना कहीं बहुत स्थिति जो खराब बिगड़ी हुई थी अन्य देशों की, यदि हम तुलना करें तो भारत को बहुत ही अच्छा कंट्रोल भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम करते हुए कोरोना काल से लोगों को बहुत कुछ बचाने की कोशिश की है। आज हम देखते हैं कि लगातार दो वर्षों से कोरोना, हम महंगाई की बात कर रहे हैं सुनील जी, महंगाई की बात कर रहे हैं। भाई साहब, कि कोरोना काल के चलते थोड़ा सा यदि मान लो कि आर्थिक संकट आने के कारण थोड़ी सी महंगाई पे जरूर असर हुआ है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ, लेकिन आज कोरोना काल में लाखों की संख्या में लोगों को बचाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। महंगाई का विषय बराबर हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी जवाबदारी की जनता को बचाने की थी और वो पूरी तरह से हमने उसको फर्ज को निभाया है। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, पूरे देश में मैं मानता हूँ पूरे प्रदेश में, लेकिन खंडवा में ऑक्सीजन की कमी से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी तक जिस तरह से जनता त्राय त्राय की है, उसका गुस्सा भी सरकार के प्रति है? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, पूरे खंडवा की जनता जानती है। मात्र एक या दो दिनों के अंदर कोई ऑक्सीजन का ट्रक के कारण थोड़ी सी ट्रक में विलंब हुआ, ट्रक का कोई फॉल्ट होने के कारण सिर्फ एक से डेढ़ दिन में ऑक्सीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें किसी भी प्रकार की मौत या किसी भी प्रकार के मरीज को कोई खतरा नहीं हुआ और बराबर लगातार उसके दूसरे दिन से व्यवस्था पूरी सुधर गई। और आज हम देख रहे हैं कि खंडवा जिले का जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की पूरी चर्चा पूरे देश में हुई है, यहाँ के डॉक्टरों की पूरी चर्चा देश में हुई है कि बड़े से बड़े शहरों में भी जो सुविधा है, लेकिन यहाँ सुविधा का अभाव होने के बावजूद भी कोरोना के हजारों मरीजों को यहाँ पर बचाया गया है। बहुत पूरी ईमानदारी के साथ जनता ने भी इसमें सहयोग करा है। चलिए सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इंदर सिंह परमार जी हैं जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस के। इंदर जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही। इंदर जी, अभी सुनील जैन जी ने जो कहा है कोरोना से लेकर महंगाई से लेकर, उसका उत्तर तो आप देंगे ही, लेकिन हमारा भी एक सवाल यह है कि 3 लाख का अंतर था पिछले, माने 2 साल पहले जो चुनाव हुए हैं, इस अंतर को कैसे आप पूरा करेंगे, कैसे पाट पाएंगे, कैसे कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत का दावा करेंगे आप? अब जनता के सामने जो महंगाई चल रही है हम देख रहे हैं सब। आप कोरोना काल में जो खंडवा शहर में सबसे बड़ी समस्या हुई है ऑक्सीजन को लेकर के, जी सैकड़ों लोग मरे हैं उसमें, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है, ना ही उन्हें कोई प्रमाण पत्र दिया गया है, जी ना ही मौत का खुलासा हुआ है। पूरे देश में हमारी कांग्रेस पार्टी इनसे हिसाब मांग रही है, जी कि मौत का खुलासा करो, यदि ये सच्चाई है तो फिर ये मौत का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों जिले वाइज रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं? जी आपका मुद्दा क्या होगा इस लोकसभा उपचुनाव में? महंगाई को लेकर है, डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, रसोई गैस है, बहुत सारे मुद्दे। एक मुद्दा होता हम बताएं, मुद्दे 50 मुद्दे, और मुद्दों को लेकर ही इस बार कांग्रेस जनता के बीच में जाने वाली है। सुनील जी कह रहे हैं कि कोरोना में सिर्फ 1.5 दिन के लिए ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयों की कमी हुई थी, बाकी खंडवा शहर में ऑक्सीजन की कमी से ही पूरी मौतें हुई है जी, ये पूरा शहर जिला जानता है जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी हैं। साइनी जी, आपको किसी सवाल करना है? सुनील जी, आपने अभी कहा कि कोरोना जो है वहाँ पे नियंत्रित किया गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सेकेंड वेव आया था उस टाइम प्रधानमंत्री जो थे वेस्ट बंगाल में चुनाव में बिजी थे, वहाँ पे कोरोना के होते हुए इतने बड़े रैली कर रहे थे और जो लोग आ रहे थे तो उनको बहुत ही गर्व से कह रहे थे कि इतने जनता हमारे इसमें आए हैं रैली में, और पर दूसरी जगह जैसे खंडवा जैसे जगहों पे वैक्सीनेशन अगर प्रोवाइड करते और इस चीज को कंट्रोल करते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती,
और क्या उसका गुस्सा जनता में नहीं होगा? पूरा मतलब साक्षी रिकॉर्ड है अगर मौजूद है, जो जिस प्रकार की जो चर्चा आप लोग या परमार जी ने की है कि सैकड़ों की संख्या में मर गए हैं, यहाँ पे पूरा जिला इसका गवाह है, यहाँ की जनता गवाह है कि हम कोरोना के चलते एक भी मौत यहाँ पर नहीं हुई है। जब आपको बताया कि मात्र डेढ़ दिन में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़े से डिस्टर्ब हुआ है, बाकी कोई भी मौत नहीं हुई है यहाँ पर खंडवा में, और खंडवा का नाम कोरोना में इलाज के कारण इलाज में कि यहाँ के इलाज में। जी आपको हम टाइम देंगे, उनकी बात आ जाए। सुनील जी अपनी बात पूरी करिए, फिर इंदर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के पूरे देश, पूरे खंडवा जिला ही नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र की जानती है कि जो स्वर्गीय नंद कुमार जी चौहान ने जो बड़ी बहुत बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की दी थी, उसके परिणाम स्वरूप हमने कोरोना पर बहुत कंट्रोल पाया और खंडवा के डॉक्टरों ने उचित इलाज करके लोगों को मरने से यहाँ तो बचाया है। जी जी इंदर जी, मेडिकल कॉलेज तो ये सरासर झूठ बोल रहा है। मेडिकल कॉलेज माननीय अरुण यादव जी की देन है, ये पूरा एमपी जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि ये मेडिकल कॉलेज माननीय अरुण यादव जी की देन है। और सिंचाई योजना, उद्वहन सिंचाई योजना, सुनील जी एक मिनट सुन लीजिए, इंदर जी को सुन लीजिए, सुनील जी जो अरे सुनील जी इंदर जी को सुन लीजिए, जो सेवा माखन, अरे सुनील जी आपने बात कही है, इंदर जी ने सुनी है, अब आप सुन लीजिए, इंदर जी कह रहे हैं, मैं फिर आपको मौका दूंगा। जी इंदर जी, छेगांव माखन में उद्वहन सिंचाई योजना, ये माननीय अरुण यादव जी की देन है। बूंदी में थर्मल पावर माननीय अरुण यादव जी की देन है। खंडवा में नर्मदा जल 120 करोड़ की माननीय अरुण यादव। अरे सुनील जी रुक तो जाइए, आपको मौका देंगे। अरे सुनील जी रुक तो जाइए, और हम इन्होंने 120 करोड़ की नर्मदा जल योजना को जाएंगे, नर्मदा जल योजना में भ्रष्टाचार किया है, बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये खंडवा शहर की जनता, अभी महीने भर पहले बारिश के पहले जो तराई ताई खंडवा शहर में हुई है, ये पूरा खंडवा शहर जानता है कि इन्होंने भ्रष्टाचारी करी है। लोहे की पाइपलाइन डलना थी, इन्होंने पीवीसी पाइपलाइन डाली, बड़ा भ्रष्टाचार किया है, ये पूरा खंडवा शहर या जिला जानता है। जी सुनील जी, भाई साहब ये अपनी बात कर रहे हैं कि ये फलाने ये क्या है, झूठ बोलो जोर से बोलो, ये इनका काम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ये जनता इनको जवाब देगी, हम नहीं देंगे, हम जनता जवाब देगी, जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन। जिस जनता ने आपको सीट पे बिठाया है, जो भाजपा को विश्वास मिल रहा है, लोगों की ओर से जो यहाँ पर रिजल्ट परिणाम आ रहे हैं, ये सब जनता कार्यों का ही परिणाम है। आपको सीट पे बिठाया है, मैंने समझ चुकी है क्या भ्रष्टाचार है, और 15 महीनों के अंदर जनता ने जिस प्रकार कमलनाथ की सरकार को नकारा है, ये प्रदेश की जनता जानती है। भाजपा सिर्फ विकास और कार्यों को लेकर ही पूरी जनता के बीच में जाएगी, और निश्चित तौर पर हम सरूगी नंद कुमार जी चौहान, सुनील जी इंदर जी साहब जी आपको इंदर जी को सवाल करना, बड़ी बड़ी सौगातें माननीय अरुण यादव जी की देन है खंडवा जिले में, उम्मीदवार कमल का फूल है, इतनी बड़ी बड़ी सौगातें हैं, ये माननीय अरुण यादव जी की ही देन है। चले इंदर जी, सैनी जी आपको कोई सवाल करना है? इंदर जी, कांग्रेस के अंदर जो इनफाइटिंग है, इसको आप कैसे टैकल करेंगे जब आपके पास इतने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस में आपसी झगड़ों की वजह से आप जीत नहीं पाते हैं? मैडम सनावाद में जो थर्मल पावर प्लांट है, ये भी माननीय अरुण यादव जी की देन है। वो तो हम जाने, लेकिन जनता तक आप लोग जा ही नहीं पाते, आप लोग आपस के झगड़े में ही। खंडवा देर तले मात्र माननीय अरुण यादव जी की देन है। चलिए इंदर जी, वो सवाल कर रही है वरिष्ठ पत्रकार है सानी, जो कह रहे हैं कि जो आपके अंदर गुटी राजनीति चलती है, उसको कैसे आप खत्म कर पाएंगे? कोई कुटी राजनीति नहीं चलती। कांग्रेस परिवार है, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज आती है। इस हमसे ज्यादा उठपटक बीजेपी में चल रही है, तो आप देख रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए इनके नेता पड़े हुए हैं, कारण शिवराज सिंह चौहान को हटाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, इंदर जी आपका, सारी चर्चा के लिए। मनीष जी क्या होगा, जैसे कलापति जी पिछला चुनाव हमें लगता है 3000 के अंतर से ही जीती थी, और हालांकि सुलोचना रावत भी शायद चुनाव लड़ी थी वहां से, वो जो कांग्रेस का समर्थन करती है, क्या कौन है प्रबल दावेदार कांग्रेस से? कहा ही जा रहा है कि कलावती जी के भतीजे को शायद टिकट दी जा सकती है। बीजेपी से जो पिछला चुनाव हारे थे रावत, वही रहेंगे या कोई और रहेगा? क्या स्थिति बनेगी? देखिए सर, चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग सुनने के बाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में हलचल तेज हो गई। दोनों ही दलों के नेता पिछले 2 दिनों से भोपाल में डेरा डाले बैठे हुए हैं। भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की बात करें तो दीपक चौहान, माधो सिंह रावत,
इंदर सिंह चौहान, मुकाम दावत, अनिता नागर सिंह चौहान, मधु पचास है, कई दावेदार प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को अपनी दावेदारी जता चुके हैं। इनमें से किसी एक नाम को लेकर मोहर लग सकती है। वही बात कांग्रेस की तरफ से आगे कौन है? दीपक भूरिया दावेदारों में सबसे आगे कौन है? क्या कुछ तो आप वहां के हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। वहां पर किसको कब प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है, इसके ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन दो तीन नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चर्चा हो रही है और तीन नामों को लेकर कांग्रेस में भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस में कौन है तीन नाम? सर कांग्रेस की बात करें तो महेश पटेल, स्वर्गीय विधायक कलावती भुजाक भतीजे दीपक भुजाक और सुलक्षा राव, इन तीन नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही। इन तीन से बताइए तीनों नाम, से बताइए तीनों नाम। सर महेश पटेल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, स्वर्गीय कलावती भुजाक विधायक के भतीजे दीपक भुजाक और सुलक्षा राव जो पूर्व राज्य मंत्री है वो। जी सर जी, तो क्या स्थिति, कौन बेहतर कैंडिडेट रहेगा इस पे तो आप अपना मत दे सकते हैं। सर बेहतर कैंडिडेट में तीनों नाम में से पार्टी संगठन जिसे टिकट दे दे उसके आगे ही फाइनल हो जाएगा। सर उसमें व्यक्तिगत में बताया जाए तो महेश पटेल और दीपक पुरिया का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन सुलोचना रावत जो पूर्व राज्य मंत्री रही है, पिछले विधानसभा चुनाव में इनका लड़का विशाल रावत करीब 31,000 वोट लाया था जो तीसरे पायदान पे था। अगर यहाँ सुलोचना रावत को भी नजरअंदाज किया जाता है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है सर यहाँ पे, क्योंकि 31,000 वोट, क्योंकि 46,000 वोट से यहाँ पे कलावती भुरिया जीती थी। जी सर, 46,000 वोट से जीती थी कि 3,000 वोट से? 46,000 सर, 2,056 वोटों से जीती थी, लेकिन 46,000 वोट उसको मिले थे सर जी। और उनको मतलब लगभग 44,000 मिले थे कांग्रेस प्रत्याशी को और बीजेपी प्रत्याशी को। जी 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 सर, जी सर। तो मुद्दा क्या हावी रहेगा वहाँ? सर मुद्दा यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाएं। यहाँ की बात करें सर पलायन की, तो आदिवासी बहुल अनाजपुर जिले में झोपड़ विधानसभा में आदिवासी ग्रामीण मजदूरों को आरोप है कि न तो समय पर काम मिलता न ही मजदूरी, यही वजह है कि जिले में आदिवासी ग्रामीण काम से तलाश में पड़ोसी राज्य गुजरात में पलायन करते हैं। कई सरकारें बन गई है लेकिन आदिवासी बहुल झोपड़ विधानसभा में हालत जस के तस है। बस में लटके लोग, काम की तलाश और बस स्टैंड पर इंतजार, पड़ोसी राज्य गुजरात का सफर, ग्रामीण परिवार सहित मजदूरों के लिए राजस्थान, गुजरात सहित महाराष्ट्र की ओर रुक करते हैं। बस स्टैंड पर सुबह से ही पलायन के लिए ग्रामीणों का तांता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़ी विडंबना है सर कि सरकार किसी की भी नहीं हो लेकिन यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा है सर। वही बात अगर स्वास्थ्य सुविधाओं करें तो कोरोना महामारी से लेकर सरकार और प्रशासन लाख दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ दावे फेल होते नजर आते हैं। जो बट विधानसभा की बात करोगे, मरीज को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ा। आप लेकिन इलाज क्यों है? कोरोना आप हिलिए मत, इस विधानसभा में देखी जाए। आप हिलिए मत, स्थिर रहिए, खड़े रहिए एक जगह। आप हिल रहे हैं तो बार बार फ्रेम बिगड़ रहा है। तो मैं वही सवाल कि ये तो मुद्दे जो आपने बताए हैं ये दोनों ही सरकारों के खिलाफ मुद्दे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दे हैं ये किसकी तरफ पलड़ा भारी करेंगे, किसका पलड़ा भारी करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी लगभग 15 साल पहले और अभी फिर से एक 15 महीने सरकार हो गई, 16 महीने थी, बीजेपी को नुकसान देंगे या कांग्रेस को? सर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान रहेगा सर। भारतीय जनता पार्टी और सर इसके अतिरिक्त एक मुद्दा और, जय संगठन सर। जय संगठन इन दिनों बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विपक्ष में खड़ा है सर। तो जयस के लिए उसका सामना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है सर। जयस किसके वोट काटेगी? सर अभी जय संगठन का कुछ क्लियर तो नहीं हुआ लेकिन तो प्रत्याशी निर्दलीय उतारने की उम्मीद में है, क्योंकि यहाँ पर जो नीतीश सलावा है पटवारी जो जयस का काम करते थे सर उनको निलंबित कर दिया था और उन्होंने बड़ा विरोध प्रदर्शन झोपट विधानसभा में करा था, उसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर और एसपी को भी टारगेट किया था। तो वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जयस भी रह सकती सर। महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा, इसके अतिरिक्त जयस से भी इन्हें बड़ी चुनौती मिल सकती है सर। जयस से भी इसको सामना कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ रहिए। दीपक चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के जो प्रबल दावेदार कहे जा रहे हैं जैसे कि आपने कहा, और ओम राठौर कांग्रेस के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष शैली राजपुर के। दीपक जी मेरी आवाज आ रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। जी भाई सर। ओम राठौर जी आपको भी मेरी आवाज आ रही?
जी जी आ रहे आ रहे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, जो पिछला चुनाव हुआ था सुलोचना रावत के भतीजे जैसे बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ गए थे कांग्रेस से, 31,000 उनके थे, 46,000 कलावती भूरिया को मिले थे, आपके प्रत्याशी को 44, अगर इसमें इस बार बागी प्रत्याशी नहीं होते तो कांग्रेस के इतना लंबा अंतर हो जाता है, जिस उस बीच में आप जीत का दावा कैसे कर रहे हैं, और खासकर महंगाई मुद्दा पेट्रोल डीजल रसोई गैस ये आपके विरोध में जा रहे हैं। दीपक जी, मतलब हमारी सरकार जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो ग्रामीण क्षेत्र में कपिल धारा कुए है ना, और नए गैस कनेक्शन इस टाइप से बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करे हैं सब जी। तो अन्नपूर्णा योजना है, अभी फ्री गेहूँ चावल दे रहे हैं गरीबों को, तो इस टाइप से योजना जो सरकार की योजना है, जनकल्याणकारी योजना है, उसके माध्यम से हम गाँव गाँव जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र को बताएंगे। ये कोरोना के दौरान आपके यहाँ भी परेशानी काफी रही है? परेशानी रही भाई साहब, पर इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर दवाइयां बांटी है, किट बांटे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे हैं, कई मशीनें भी दान में दी है, बहुत काम करा भाई साहब जी। साहिल जी, आपको कोई सवाल तो नहीं करना? सवाल करना आपको नहीं जी। ओम राठौर जी, सबसे बड़ी कांग्रेस की स्थिति, मतलब जो विकट स्थिति होगी वो ये होगी, टिकट देना एक तरफ, जैसा कि पिछली बार कलावती जी को दिया गया था, सुलोचना रावत जी के भतीजे चुनाव लड़ गए थे, 31,000 वोट पाए थे, वही स्थिति इस बार भी है कि सुलोचना रावत जी के भतीजे भी ताल ठोकेंगे, और दूसरी तरफ जैसा कि बात चल रही कलावती भूरिया जी के भतीजे भी चुनाव मैदान में उतरने को है। अब इन स्थितियों में आप जिसको भी टिकट देंगे तो दूसरा उसको सबोटेज करेगा, भीतरघात करेगा, उससे कैसे निपटेंगे? हमारी पार्टी में सभी एक मत है, चाहे दीपक भूरिया हो, विशाल रावत हो, सुलोचना रावत हो, महेश पटेल जी, सारे एक मत में, एकजुटता में कमलनाथ जी ने इनको बिठा के बातचीत कर ली है, कोई किसी प्रकार का सेबोटेज नहीं होगा। और हम पिछली बार कलावती भूरिया केवल 2,000 मतों से जीते ही, अभी हम विशाल रावत और दीपक भूरिया और सारे जितने प्रत्याशी एकजुटता के साथ लड़ेंगे, हम झोबट विधानसभा 30 से 33,000 से जीतेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से लोग परेशान है, पेट्रोल डीजल के भाव, गैस के भाव बढ़े, सारे से लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। अभी इनके मंत्री गए थे बेरोजगारी को लेकर पलासदा में, तो सीधा जवाब ग्रामीणों ने किया है। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो बिल्कुल विफल है। चलिए, तो दीपक जी आपने सुन लिया राठौर जी को? जी जी भाई साहब, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई ही प्रमुख मुद्दा है मुख्य रूप से, और जहां तक उनके सामने जो संकट था वो ये था सबोटेज, बिना भीतरघात, दो लोगों की दावेदारी, उसको उन्होंने कहा कि हम लोग बैठा के सुलझा चुके हैं। अब अगर दोनों विशाल रावत और उनके बेटे भतीजे कलावती जी के एक साथ हो जाएंगे तो ये बहुत लंबा अंतर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, पर हमारी पार्टी भी, कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल हर गांव में थैलिया में फैले हुए हैं, और बिल्कुल हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा भाई साहब। बिल्कुल आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हम दोनों बिल्कुल को। और हमारा तो पार्टी, हमारी पार्टी तो 24 घंटे कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए, और हमारा तो उम्मीदवार भले नहीं हो तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। हाँ निश्चित, आप तो प्रबल दावेदार हैं, हमारे पास जो सूचना है लगभग आपका टिकट तय माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और खासकर पलायन मुद्दा, 15 साल 17 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां के जो पलायन कर रहे हैं लोग, मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, कोई उद्योग नहीं लगा है वहाँ, इसको कैसे आप जनता के बीच में समझा पाएंगे जनता को? भाई साहब, जहाँ तक पलायन का सवाल है, वैसे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन आवंटित हो गई है, अभी जोवट में बहुत बड़ी जिनिंग लग रही है ना, उद्योग लगना चालू हो गया भाई साहब हमारे क्षेत्र में, और अभी उद्योग मंत्री जी आए थे तो उन्होंने 24 एकड़ जमीन हमारे पास में, गाँव के पास में दी है। और जहाँ पलायन का सवाल है भाई साहब, गुजरात जाते हैं, गुजरात के लोग अमेरिका और अफ्रीका, फ्रांस जा रहे हैं, तो क्या वो प्लान में थोड़ी आएगा भाई साहब, वो अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छा पैकेज मिल रहा है तो जा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ के लोग गुजरात और राजस्थान के वहाँ मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई साहब वहाँ जाके कुछ सीखे आ रहे हैं भाई साहब जी, उसके उससे डेवलप हो, हमारा एरिया उसी से डेवलप हुआ भाई साहब जी। ओम जी, एक सवाल आखिरी आपसे ये है कि सबसे कहा जाता है और रिजल्ट भी, परिणाम भी वही बताते हैं कि जब जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव लगभग 10% छोड़ दे तो उसी के
फेवर में जाते हैं, परिणाम उनके पक्ष में जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार उनकी है, मंत्री उनके होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, विपरीत परिस्थितियों में आपको चुनाव लड़ना होगा, फिर कैसे आप जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारे हर जगह हमने मीटिंग कर ली और हमारे सेक्टर मंडलम, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और उससे भी ज्यादा मतदाता वहां के हमको कई बार फोन पे ये कह चुके हैं कि इस बार हम पहले से ही जोबट विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वर्तमान में भी उनने सबने एक निर्णय कर लिया आपस में कि अब जो, क्योंकि महंगाई और सबसे परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए 100 दिन की गारंटी के रोजगार मिलना चाहिए, सेंट्रल की मनमोहन सिंह की सरकार की योजना थी, सारी योजना बंद कर चुके हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे में हमारा मतदाता ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को ही विजय बनाएगी। चलिए, दोनों लोगों को शुभकामनाएं। राठौर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और दीपक जी आपको शुभकामनाएं कि आप भाजपा के प्रबल दावेदारों में से आपका टिकट फाइनल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या सहनी जी, क्या लग रहा है जोबट में? जैसा कि दोनों लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उनका ये कहना है राठौर जी का कि लोगों को वो जो सबोटेज की स्थिति बनती थी, भितरघाट की स्थिति बनती थी, वो संभाल ली गई है, क्या लगता है? देखिए, सबोटेज की जहां तक बात है वो तो कांग्रेस में कुछ नहीं कह सकते, आज जो बात कहते हैं कल वो उल्टा पड़ जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है वहां पे कांग्रेस की सीट रही है ये जोबट जो है, और अभी भी कांग्रेस का ही कहना है कि वहां पे जो बेरोजगारी है और बाकी जो जनता जो त्रस्त है बाकी सुविधाओं से, उसको मुद्दा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को भी नुकसान होगा, क्योंकि वहां पे उनके विधायक रहे हैं तो उनने क्या किया है अभी तक? ठीक है, सरकार बीजेपी की है यहाँ पे स्टेट में, लेकिन आवाज तो उठाना चाहिए। और अस्पताल है जो कोरोना है, वहां पे अस्पतालों की कमी है, सड़क नहीं है, तो विधायकों का भी एक जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के लोगों का आवाज उठाए, तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा असर भी हो सकता है। पर एक तरफ से जहां तक सहानुभूति का एक वो मिल सकता है भूरिया जी को, अगर टिकट उनको मिलता है तो। चलिए चलते हैं सीधे पृथ्वीपुर, जहां से हमारे हेमंत वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां पूर्व मंत्री बिजेन सिंह राठौर जी की कोरोना काल के दौरान जो निधन हो गया था, वहां इसलिए चुनाव होने जा रहे हैं। हेमंत, मेरी आवाज आ रही? जैसा कि माना जा रहा है कि राठौर जी के बेटे को ही टिकट दिया जाएगा, क्या लगता है नितिन राठौर जी को ही टिकट मिलेगा? फिलहाल उनको कितनी सिंपथी, कितनी सहानुभूति लहर मिलेगी? बीजेपी का सरकार है यहाँ, उपचुनाव संभवतः ज्यादातर जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में जाया करते हैं, क्या लग रहा वहां? और कौन बीजेपी से प्रबल दावेदार है? जी सर, आपको बता दें चुनावी रण की स्थिति पृथ्वीपुर में बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी और यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगा, क्योंकि दोनों ही दलों के नेता स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद से मैदानी कसरत कर रहे हैं। और वही चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर हैं जो कि बृजेंद्र सिंह राठौर के पोत्र हैं, उनका नाम लगभग क्लियर माना जा रहा है। वही भाजपा में लंबी लिस्ट है जिसको लेकर मंथन जारी है, लेकिन भाजपा में प्रत्याशियों की लंबी पहुंच होने की वजह से अब काफी सर्दक बना हुआ है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई थी और इसके बाद दमोह उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ फूक फूक कर कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है किसी भी कीमत में यहाँ से वो चाहती है कि यहाँ से ही वो सीट निकाल पाए। जी सर, दूसरे नंबर पे सपा थी वहाँ, सपा से शिषपाल यादव जी थे। बिल्कुल सर, अब वो आपको बता दें चूंकि बीजेपी में आ गए हैं। जी सर बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर जो सतपाल सिंह थे अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और वो भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और लेकिन अगर अभी तक की जो मुख्य बात की जाए तो कांग्रेस का पल्ला भारी है, उसकी वजह ये निकलकर सामने आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना काल में जो लोगों ने तंत्र झेला है, जिस प्रकार से यहाँ पे जो समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं कोरोना काल के दौरान कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं था जो जनता के दुख दर्द में शामिल हो सके, सब अपने घर पर बैठकर लोगों का मजा ले रहे थे। और यहाँ की मुख्य सबसे बड़ी समस्याएं जो है लोग पानी, शिक्षा, पलायन और पानी, बेरोजगारी, ये यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब तक किसी भी प्रकार से कोई किसी भी नेता ने इस बात को सामने नहीं रखे। दावे तो करते रहे कि यहाँ के ये मुख्य मुद्दे होंगे लेकिन इसको अमली जामा किसी ने नहीं पहनाया। अगर बात की जाए तो यहाँ से मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्र तक में ही प्रतिनिधित्व इस जिले से हुआ है, लेकिन जो सुविधाएं जो व्यवस्थाएं इस जिले को मिलनी चाहिए थी वो अब तक वहां उससे वंचित है।
तो ये तो जो आप बोल रहे हैं हेमंत जी, ये तो अगेंस्ट राठौर जी के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि 13 से 18 को छोड़ दें तो बाकी वही विधायक रहे हैं लगातार लंबे समय से, निर्दलीय भी जीते हैं दो बार, कांग्रेस से भी जीते हैं, तो ये तो उनके खिलाफ जाएगा जो आप मुद्दे बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन चूंकि जहां तक बृजेंद्र सिंह राठौर की बात की जाए तो उन्होंने जनता के दिलों पर राज किया, वो भी इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं, और उनका दावा है कि 13 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना की सौगात कमलनाथ के द्वारा यहां पे दी गई थी वो उनके लिए बड़ी मिसाल बनी थी, और जो 15 महीने की कांग्रेस शासनकाल की जो सरकार थी उसमें भी उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे वो जनता के कहीं ना कहीं उस बीच में वो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो जा रहे हैं, और इसी बात को वो दावा कर रहे हैं कि उनके जो पूर्व के जो काम रह गए हैं उनको वो पूरा कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब तक इसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनके दम पर भाजपा जनता के बीच में जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी विश्वास बिछाना चालू कर दी है, यहाँ पर आधा दर्जन मंत्रियों को यहाँ पे तैनात किया है। सैनी जी आपको कोई सवाल? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी है, आप सवाल करना चाह रहे हैं? आपने राठौर जी को बोला उनको सिंपैथी वेव के वजह से फायदा मिलेगा वहाँ पे? बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पे सहानुभूति वोट उनके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लोगों में उनका जो वजन था उसकी वजह भी यही थी कि काफी मिलनसार साथी पूर्ण तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, और यही वजह है कि अब उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को जनता सहानुभूति दिखा रही है और अच्छा खासा उनको उसका स्वीकृति मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता होता है चुनाव के बाद वो जनता को भूल जाता है, किसी भी प्रकार से जनता के बीच में नहीं जाता, उनके दुख दर्द में नहीं जाता है, और राठौर परिवार का यही यहाँ पे ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि चुनाव हो या नहीं हो जिसको कह सकते हैं कि 365 दिन वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं, यही वजह है कि उनको अच्छी सहानुभूति देखने को मिल रही है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पल्ला इस समय भारी है। चलिए हेमंत जी आप बने रहे हमारे साथ, नितिन राठौर जी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के लगभग तय प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। नितिन जी अस्पित त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको मेरी आवाज आ रही? नमस्कार त्रिपाठी जी, जी मैं असल में अपने क्षेत्र में ही हूँ, सिग्नल कहीं आ जा रहे हैं, खैर बताइए आप। लगभग आपका नाम तय हो चुका है, इससे पहले अग्रिम बधाई आपको दे रहा हूँ, हालांकि औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। एक सवाल यहाँ था, बृजेंद्र सिंह जी से मैं, आपके पिताजी से मैं कई बार, हमारे ऑफिस में दफ्तर भी यहाँ आते रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस से कई बार, दर्जनों मरतबा वो बैठे हैं, लाइव में भी बैठे हैं, उनका जो स्वभाव है जैसा कि कहा जा रहा है वो बहुत ज्यादा मिलनसार थे, लेकिन आपको कहा जा रहा है थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, आप कम मिलते हैं, इसका अंतर पड़ेगा क्या? नहीं अब ये पता नहीं ये कहाँ से स्वभाव की जानकारी आपको लगी है जी। मैं तो सबसे लगभग जब से होश संभाला है तब से लोगों से मिल रहा हूँ और अभी भी मिल रहा हूँ, और इस वक्त भी मैं अपने क्षेत्र में ही हूँ और लगातार अपने क्षेत्र में समय दे रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो अब ये जानकारी मैं नहीं कह सकता आपको कहाँ से। मैं आपके नेचर को आपके स्वभाव को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एरोगेंट है, ये आप ये कह रहा हूँ कि अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, मिलते हैं आप, वो जिस तरह से घुल मिल जाते थे चंद मिनटों में ही उसमें थोड़ा अंतर है, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए उनका अनुभव 40 वर्षों का था, मेरी अभी शुरुआत है, लेकिन जितना मेरा प्रयास हो सकता है उतना मैं घुल मिल रहा हूँ, और क्षेत्र के लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कहीं से मेरे पास बात आई, लगा अगर कहीं है बात है तो उसको और सुधार करूंगा और मिलनसार बनने का प्रयास करूंगा जी। हमारे साथ आकाश अग्रवाल जी भी हैं भाजपा के जो दावेदार हैं, लेकिन नितिन जी सामान्य तौर पे उपचुनाव सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं, पूरी मशीनरी रहती है, सारे मंत्री रहते हैं, सब कुछ रहता है, हालांकि बृजेंद्र सिंह जी का जो अपना प्रभाव है वो दो बार निर्दलीय इतने मतों के अंतर से जीते हैं कि उनके अपना खुद का वोट बैंक है जो आपके साथ रहेगा ही, लेकिन फिर भी उपचुनाव है ये, ऐसे में आप कैसे टक्कर दे पाएंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए मेरे पिताजी ने जनता की इतने वर्षों लगातार सेवा की है, इतने काम किए हैं, कई काम उन्होंने कराए हैं, और उसके साथ साथ मैं अभी आया हूँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, इन सबको पूरा करना है, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लोग हकीकत में परेशान हैं क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो ये सारी समस्याएं इस वक्त क्षेत्र में सुनाई दे रही हैं,
अब उपचुनाव का समय है, मैं मानता हूं कि ये सत्ता दल निश्चित रूप से पावर है, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो जनता की जो पावर है और जनता का स्नेह है, इससे ज्यादा बढ़ के कोई और चीज नहीं हो सकती, और वो मेरे साथ। जी आकाश जी हमारे साथ है, लेकिन नितिन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के एस साइनी जी हैं, जो आपसे सवाल एक करना चाह रही हैं। सही नितिन जी, आपने कहा कि वहाँ पे समस्या काफी है और आप सुलझाएंगे, लेकिन सरकार तो यहाँ पे बीजेपी की है, आप विधायक बन भी जाएंगे तो इस समस्या के आप हल कैसे करेंगे, क्योंकि जब सरकार बीजेपी की है तो वो सीधा फायदा पहुँचाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, सरकार बीजेपी की है इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि विपक्ष का कोई विधायक बनेगा ही नहीं। जो विपक्ष का जनप्रतिनिधि या विधायक होता है वो इस आवाज को ऊपर उठाता है, विधानसभा में उठाता है और अपने क्षेत्र में कार्य करता है। अगर ऐसा तो दूसरा कोई विधायक बने ही ना, तो ऐसा तो संभव है नहीं। आज लोग परेशान उसी सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी से ही तो है, इसीलिए तो लोग चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से विधायक बने। और यहाँ मेरे पिताजी चूंकि 2018 में विधायक बने थे, उन्होंने काफी काम भी कराए, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम लोग मिलकर यहाँ पे काम करेंगे क्षेत्र की जनता के साथ, और ये आवाज जो पक्ष के रूप में आवाज है उसको ऊपर उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं अगर विपक्ष सत्ता में अगर विपक्ष हो तो भी आप काम करके अपने जनता के क्षेत्र के काम कर सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं, जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो जनता के काम क्यों नहीं कर सकता। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और जो काम नहीं हो रहा होगा उसकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे और एक काम करेंगे मिलकर। आकाश अग्रवाल जी, आकाश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है भाई, बताइए। आकाश जी हमारे साथ नितिन सिंह राठौर जी भी हैं, उन्होंने अपनी बात कही। सबसे बड़ा आपके सामने सवाल है, एक तो ब्रजेंद्र सिंह जी जिस तरह से लीडर थे, आकाश जी आवाज आ रही? जी 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 बोलिए भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर का जो वहाँ प्रभाव था, अगर 13 का चुनाव छोड़ दें तो लंबे समय से पहले निर्दलीय जीतते रहे, फिर कांग्रेस से जीतते रहे, ऐसे में उनके साथ सहानुभूति भी लहर है बहुत जबरदस्त नितिन जी के साथ, आप कैसे चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अपने यहाँ सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी ने इन कोरोना काल में इतना क्या काम किया है लोगों के बीच में जाके, और वर्तमान में जो भी आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस की बात हो, चाहे वो संबल योजना की बात हो जो कांग्रेस के समय में बंद कर दी गई थी, हमारे द्वारा इतनी ज्यादा योजनाएं लोगों को अंतिम छोर के व्यक्तियों को लाभ देने का काम किया गया है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा को जीतेगी। आकाश जी आपने कोरोना की बात कही है, वही सवाल उठ रहा है कि कोरोना के कारण जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, आपके अपने के स्थानीय नेता विधायक पूर्व मंत्री कोरोना ने ही छीन लिया, ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि कोरोना में बहुत अच्छा काम किया जनता होगी, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की जिस तरह आसमान छू रहे हैं कीमतें, उससे कैसे आप जनता को समझाएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना काल में जो भी आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए और जनता के लिए बन सकता था वो करने का प्रयास किया गया, और कोरोना ऐसा विषय था कि जिसके बारे में ना तो कोई व्यक्ति जानता था कि क्या उसका सिम्टम्स है, क्या उसके तरीके हैं, लेकिन उसके बाद ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए जितना सबसे अच्छे बन सका वो किया। आप लोगों को मालूम है कि जहां तक कोरोना में अगर किसी के जाने का विषय है तो परिवारजनों को बहुत सारे लोगों ने खोया है, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के लोगों ने खोया है, उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे लोगों को खोया है और हमने अपने परिवारजनों को भी उसमें खोया है, रिश्तेदार नातों को, नातेदारों को भी खोया है, और आपको मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतिम छोड़ के गांव के व्यक्ति को टीका लगवाने का काम किया है निःशुल्क तरीके से, और जिसकी जागरूकता के लिए हम लोग कीमतों के कैसे जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं उसको कैसे समझाएंगे जनता को? बिल्कुल सर, देखिए अगर हम एक तरह मानते हैं कि अगर हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो आपको मालूम है कि वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल आता है उसके आधार पर बढ़ती है, लेकिन क्योंकि अरे आकाश जी क्रूड ऑयल यूपीए सरकार में $140 प्रति बैरल था, आपकी सरकार में $72 प्रति बैरल है जो अभी 80 हुआ है, तो भी 65 रुपए था, आप 110 बेच रहे हैं। जी मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि आपको मालूम होगा कि एक समय पे केवल 2 इंदिरा आवास मिलते थे किसी गांव में, आपको मालूम होगा कि जब किसी समय पे केवल 2 इंदिरा आवास व्यक्तियों को दिए जाते थे, आज
पृथ्वीपुर जैसी नगर पंचायत में तब तो आपको लोगों को आवास दिए जाने का काम किया गया है और हमारी विधानसभा में करीब करीब 9000 आवास दिए जाने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ देने के लिए एक तरफ अगर थोड़ा सा टैक्स ले लेते हैं और हम दूसरी तरफ अगर लोगों को देते हैं तो ये महंगाई की दशा में नहीं देखा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनके रेटों को बढ़ाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका, नितिन जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, दोनों लोगों को शुभकामनाएं। तो सैनी जी एक रहगांव भी चले चलते हैं, सतना समय तो कम है। वरुण मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही सर। आपकी आवाज कौन गूंज रही है? जी बड़ौदा ऑफिस में। चले क्या स्थिति रहेगी रहगांव में? वरुण जी जुगल किशोर बागड़ी जी के परिवार में ही विद्रोह हो रहा है, दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है टिकट को लेकर, शायद उनकी बेटी भी आ गई है सामने, परिवार में ही झगड़ा हो रहा। और दूसरी तरफ कांग्रेस से कौन प्रबल दावेदार है? जी कांग्रेस से देखा जाए तो पहली प्रबल दावेदार जो है उषा चौधरी, जो की 2013 में बीएसपी से विधायक थी, अब वो कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रही है। दूसरे नंबर पर कल्पना वर्मा है, जो भी 18 में ही कांग्रेस से विधायक का चुनाव लड़ी थी, हार गई थी वो जुगल किशोर बागड़ी से। इसके अलावा हम बात करें उनके जुगल किशोर बागड़ी के परिवार की, तो उनके दोनों बेटे भी टिकट मांग रहे हैं, उनकी एक बहू भी टिकट मांग रही है और उनके एक नजदीकी परिवार के रिश्तेदार भी टिकट मांग रहे हैं। हालांकि उनके बड़े बेटे पुष्पराज बागड़ी का दावा प्रबल है, लेकिन अन्य जो दावेदार हैं वो इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि इनके परिवार में ही फूट पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब किसी तीसरे विकल्प पर सोचा जा सकता है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि उनके परिवार से ही किसी को टिकट दी जाएगी, यानी परिवार से अगर किसी ने बगावत कर दी, वो किसी दूसरे दल बहुजन या कांग्रेस के पास चला गया, तो बड़ी दिक्कत होगी। और कई मुद्दे भी ऐसे हैं कि जिनको लेकर अभी वहां पर चुनाव की राय इतनी आसान नहीं है। जी तो पुष्पराज बागड़ी तो एक बार चुनाव हार चुके हैं 13 में लहर थी बीजेपी की। जी बिल्कुल 2013 में वो 4000 से चुनाव हारे थे और इनसे उषा चौधरी से ही चुनाव हारे थे, बीएसपी वहां से जीती थी क्योंकि उनके पिताजी उस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था, इसलिए 18 में दोबारा उनके पिताजी जुगल किशोर बागड़ी को फिर से भाजपा ने टिकट दिया और वो जीते। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहां पर किसी भी पार्टी का अभी ना कोई दबदबा है, जो क्षेत्र में रहेगा उसीलिए उषा चौधरी को एक नंबर पर कांग्रेस लाना चाहती है, क्योंकि वहां तो विधायक रह चुकी है और कई बार वहां से चुनाव जीत चुकी है, चौधरी वोटर भी वहां एक निर्णायक भूमिका में रहता है। सैनी जी आपको कोई सवाल करना? क्या ऐसा भी हो सकता है वरुण कि अगर पुष्पराज बागड़ी को टिकट दी जाए तो उनके भाई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं उनको हराने के लिए? भाइयों में इतना ज्यादा विद्रोह है आपस में? जी बिल्कुल, ये तो शंका पहले से जाहिर की जा सकती है कि उनके भाई अथवा उन भाई की छोटी पत्नी बहू, वो वंदना बागड़ी दोनों जिला पंचायत सदस्य भी वहां से रह चुके हैं, तो इनका ये क्षेत्र में ये भी राजनीतिक प्रतिनिधि है, तो ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं अथवा निर्दलीय भी ये ऑप्शन इनके पास है, क्योंकि चुनाव लड़ने का जो मन बना चुके हैं और दोनों भाइयों को मंच शेयर करते हुए देखा जा रहा है, दोनों भाई क्षेत्र में परिवार सहित दौरे कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा भाजपा के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है कि किसको किस प्रकार से हम मनाएं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी बाहर हुआ तो चुनाव में बहुत दिक्कत भाजपा को। वरुण एक मिनट रोकेंगे, हमारे साथ कल्पना वर्मा जी जुड़ गई हैं जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। कल्पना जी स्वराज एक्सप्रेस से एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, कल्पना जी सामान्य तौर पे उपचुनाव सत्ता के साथ जाते हैं जिसकी सरकार होती है, फिर जुगल किशोर बागड़ी जी भी चुनाव में मतलब विजयी हुए थे, अब उनके बेटे को टिकट मिल सकती है, संपत्ति लहर सहानुभूति लहर उनके साथ है, फिर आप किस रूप में दावा कर रही हैं कि आप जीतेंगी? जी मेरे पास है और आज विधानसभा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया होते हुए जनता को वोट दे। कल्पना जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आप नेटवर्क में आएंगी क्या? हाँ जी जी बोलिए जी। नहीं हमने आपसे सवाल यही किया है कि जुगल किशोरी बागड़ी जी पिछला चुनाव 13000 के लगभग मतों से जीते थे, उनके साथ सहानुभूति लहर भी है उनके परिवार को मिलती है और सरकार भी बीजेपी की है, फिर कांग्रेस कैसे लड़ेगी, कैसे फाइट करेगी? जी क्या है कि 30 सालों में जुगल किशोर बागड़ी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने रेगांव के लिए
जनता के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी बदौलत उनको संपत्ति मिली। तो 18 में फिर क्यों जीत गए वो? अब 2018 में क्या है कि वो बुजुर्ग थे जी। और कुछ उनको अनुभव और संपत्ति और कुछ लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे उन्होंने ही शायद विद्रोह कर दिया। जी जी चलिए कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिनी जी क्या लग रहा है वहाँ जिस तरह से? जी कल्पना जी ने बोला पिछले बार वहाँ पर कांग्रेस के ही लोगों ने विद्रोह कर दिया था और इसलिए बागड़ी जी को जीत मिली वहाँ पे। तो वहाँ पे बिल्कुल त्रिकोण है, बीएसपी है और इनके परिवार के अंदर झगड़े हैं। यहाँ पे कांग्रेस में भी फाइनली पुष्पराज बागड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं और लगभग उनका टिकट तय है। पुष्पराज जी अस्पित त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार पुष्पराज जी, जैसा कि सामने आया है कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं कि आपके भाई भी आपके बराबर खड़े होकर टिकट ले रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस इस बात का फायदा उठा रही है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो उनको विद्रोह के रूप में उनको अपने साथ ले लेगी, बागी प्रत्याशी के रूप में उनको चुनाव लड़ाएंगी। क्या कहेंगे? नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत अफवाहें हैं। ये जी वो जो है मेरे साथ रहेगा टिकट की दौड़ तक, सब मान लीजिए अपना अपना पक्का वो रहता है। बाकी टिकट मिलने के बाद जो है वो मेरे साथ ही रहेगा। भाई आप कह रहे हैं कि आपको एक बार मौका मिल चुका है 2013 में, इस बार हमको मिले वो ठीक है जी। रहगांव विधानसभा क्षेत्र में कितने काम किया है, कितने किसके सुख दुख में कौन पहुंचा है जी, ये सब चीज जो है जनता का सर्वे है, कार्यकर्ताओं का सर्वे है जी। जो सर्वे रिपोर्ट गई है उसी आधार पर पार्टी उस पर निर्णय लेगी। हमारे साथ कल्पना वर्मा जी भी बोल रहे हैं पिछले 30 सालों में कोई काम ऐसा नहीं हुआ रहगांव में जो याद किया जाए। अब उनके नजर में कोई काम नजर नहीं दिख रहा जी। तो आप ये बताइए आज कहीं कोई सड़क बाकी नहीं है? कुछ मैं सड़कों की बात नहीं करता जी, उसकी भी मैंने अभी जन दर्शन के दौरान जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आगमन हुआ वहाँ पर मैंने सारी सड़कों की घोषणा भी करा दी है, जो जो अभी वहाँ पर बनी नहीं थी गांव की सड़कें। लेकिन बाकी सड़कें आप देख लें सारी जो है रहगांव विधानसभा की मुख्य सड़कें सब बिल्कुल कम्प्लीट है, कोई ऐसी सड़क नहीं है। आपके बांध की बात आई थी कि सिंचाई के लिए कोई हमारे किसान भाइयों का प्रबंध नहीं था, थोड़ा हम लोग बरगी का इंतजार कर रहे थे कि बरगी का पानी कब आएगा, लेकिन अब बांध के लिए भी हमने वहां पर घोषणा करा ली, तो सिंचाई के लिए भी जो हमारा प्रबंध जो है किसान भाइयों के लिए हो जाएगा। अब उनका कहना विपक्ष के लोगों का कहना तो उनका वो है नहीं, उसमें कोई बातें नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। कुल मिलाकर इन चारों सीटों का लगभग आकलन किया सानी जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, क्या लगता है आपको और ये एक लिटमस टेस्ट साबित होगा क्या 2023 के लिए? बिल्कुल त्रिपाठी जी ये लिटमस टेस्ट है, शिवराज जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सानी जी आपका, बोलू जी आपका भी नजर बनाए रखे, फिर आएंगे। जबरदस्त चुनाव होने जा रहा है रहगांव का, परिवार के विद्रोह के कारण झगड़े के कारण अभी पुष्पराज जी ने कहा है कि नहीं वो हमारे साथ रहेगा, चलिए अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिएगा। सैनी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवल वादों और घोषणाओं के सहारे नहीं बल्कि इन क्षेत्रों की समस्याएं और लंबे समय से चल रहे मुद्दे तय करेंगे कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के दमोह में हुए उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया था कि जनता केवल चुनाव प्रबंधन के आधार पर वोट देना तय नहीं करती बल्कि उम्मीदवार का क्षेत्र में लोगों से संपर्क और सहानुभूति भी बड़ा असर डालती है। बहरहाल दोनों दलों को इंतजार है 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की तारीखों का, यही वे तारीखें हैं जो बताएंगी इस उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। जनता बागी जवाब में इतना ही, नमस्कार।